तो बच्चों, कल हमने रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा था और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप। तो नील्स बोर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के आधार पर परमाणु प्रतिरूप दिया। तो नील्स बोर का जो प्रतिरूप है, उसे पढ़ने से पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में, नाइन्थ क्लास में देखा होगा आपने कि एक कांच की विसर्जन नलिका होती है। इस विसर्जन नलिका में एक निर्वात पंप होता है और इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। और ये एक कुंजी है, ठीक है। तो इस कांच की नलिका में हाइड्रोजन गैस भरी है, कौन सी गैस भरी है? हाइड्रोजन। तो जब इस कांच की नलिका में लो प्रेशर यानी निम्न दाब और हाई वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, या इसमें लो टेम्परेचर रखकर हाई वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, तो इसके अंदर जो गैस भरी है, हाइड्रोजन गैस, इस गैस से एक लाल रंग का प्रकाश निकलता है, या इस कांच की नलिका से लाल रंग का क्या निकलता है? एक प्रकाश निकलता है। और जब इस प्रकाश किरण को, रेड कलर की क्या निकलती है? प्रकाश निकलती है। जब इस रेड कलर के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं और एक पर्दे के ऊपर देखते हैं, तो ये प्रकाश इस प्रकार से लाइनों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से हमें कुछ लाइनें प्राप्त होती हैं। तो ये जो लाइनें हैं, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। बड़ी कक्षाओं पढ़े होंगे कि ये जो लाइनें थी, इनका और ज़्यादा अध्ययन किया तो इससे प्राप्त, इससे ये पता चला कि ये लाइमन श्रेणी की, बामन श्रेणी की, फंड श्रेणी की, पाचन श्रेणी की लाइनें होती है, ठीक है। तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अगर कोई पूछे स्पेक्ट्रम के बारे में, तो स्पेक्ट्रम इस प्रकार से प्राप्त होता है कि एक विसर्जन नलिका थी, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी थी, जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में इसमें लगाया गया तो एक लाल रंग की क्या निकलती है? प्रकाश किरण निकलती है। और इस प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक पर्दे पर हमें इस प्रकार से कुछ लाइनें प्राप्त होती है, और इस लाइनों को, ये हाइड्रोजन गैस से जो प्रकाश किरण निकली थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर नील्स बोर ने अपना क्या दिया? परमाणु प्रतिरूप दिया, ठीक है। तो नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप का एक नंबर बात है कि इन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश नाभिक में एकत्रित होता है, नाभिक में एकत्रित होता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार पथ में, निश्चित वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करता है।
यानी एक निश्चित वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करता है और इन वर्ताकार पथ को और इन वर्ताकार पथ को ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल या कक्षा या कोस कक्षा या ऑर्बिट या कोस कहा। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछे तो यह पूछ सकता है कि निल्स बोर ने नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ को क्या कहा, तो आंसर क्या लिखना है, ऊर्जा स्तर कहा। क्या कहा, ऊर्जा स्तर। अगली बात इन्होंने बताई कि ये जो ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर, इन ऊर्जा स्तर को पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से या के एल एम एन ओ से लिखते हैं, से लिखते हैं, ठीक है। चार नंबर बात इन्होंने बताई कि समान कक्षा में या एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है तो न तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, न तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है और न ही वृद्धि होती है, न ही वृद्धि होती है। अगली बात इन्होंने कही कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जाता है। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। और याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ये या तो ऊष्मा के रूप में करेगा या फिर प्रकाश के रूप में करेगा, ठीक है। और हमारे जो फोन की बैटरी होती है वो इसी के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक बात और बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कक्षा में, निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर में गति करते हैं, निश्चित ऊर्जा स्तर में गति करते हैं तो उसका कोणीय संवेग, तो उसका कोणीय संवेग यानी कोणीय संवेग एंगुलर मूवमेंट या MVR, ये जो MVR या कोणीय संवेग होता है ये h/2π का पूर्ण गुणज होता है, 2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी अगर कोई n कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, n ऊर्जा स्तर में या कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग देखेंगे यानी MVR इज इक्वल टू हो जाएगा NH/2π, जहां N एक कक्षा है, जो H है, H प्लांक नियतांक है,
प्लांक के नियतांक, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू कॉन्स्टेंट है ये, 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, ये प्लांक नियतांक की फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। एम द्रव्यमान है, वी वेग है, और आर क्या है, रेडियस या त्रिज्या, एन यहाँ कोस या ऊर्जा स्तर है, एच प्लांक नियतांक है, और ये पाई एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये निल्स बोर ने कुछ बातें बताई, अब इन बातों को हम एक एक करके समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये तो रदरफोर्ड ने भी बता दिया कि धनावेश होता है वो नाभिक में होता है, ठीक है। ये तो रदरफोर्ड की बात को इन्होंने रिपीट किया। तो इन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। तो यानी ये बीच में क्या है, नाभिक है, इसके चारों ओर ये वृत्ताकार क्या है, पथ है। ये वृत्ताकार क्या है, पथ है, ठीक है। और इन पथ को क्या कहा, ऊर्जा स्तर कहा। इन पथ को क्या कहा, ऊर्जा स्तर। यानी ये n बराबर एक है, ये n बराबर दो है, और ये n बराबर क्या है, तीन है, ठीक है। ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, कोस बोल सकते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कौन क्या करता है, गति करता है, ठीक है। अगली बात देखिए कि ऊर्जा स्तर को पूर्णांक संख्या या के एल एम एन द्वारा लिखते हैं। तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे कार्बन का लिखते हैं मानो 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसमें ये जो 1 है ये तो कोस बताता है, ये दो नंबर है कोस है, और ये भी दो नंबर क्या है, कोस है, ठीक है। और ये पी है, एस है, ये एस उपकोस है, और ये जो ऊपर दो लिख रखा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एन बराबर एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, ये क्या है, कोस है। अगली बात कि एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो न ही उसकी ऊर्जा में कमी आती है और न ही वृद्धि होती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन N1 ऊर्जा स्तर में या N बराबर एक ऊर्जा स्तर में गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में न तो कमी आएगी न ही वृद्धि आएगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अगली बात कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित, यानी ये नाभिक बनाया, ये n बराबर एक या एक नंबर कोस, और ये दो नंबर कोस। माना इलेक्ट्रॉन इस एक नंबर कोस में गति कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को तो नहीं दे सकते लेकिन परमाणु को दे सकते हैं, तो परमाणु को क्या दी, ऊर्जा दी। तो इस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की, ग्रहण करते ही यह इस कक्षा से, यानी ये कौन सी थी, n बराबर एक, ये बाहर वाली कौन सी है, n बराबर दो, तो ये एक से निकलकर या तो दो में चला जाएगा या और ऊर्जा मिलेगी तो और ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। यानी जब ऊर्जा का अवशोषण करता है या ऊर्जा ग्रहण करता है तो ये कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है। और इसी बात को दोबारा उल्टा हो जाए, यानी ऊर्जा अवशोषण की जगह क्या हो जाए, उत्सर्जन हो जाए। यानी ये नाभिक बनाया और ये प्रथम कोष और ये दूसरा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन इस दो नंबर में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। माना इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहा है, दो नंबर में, ठीक है। अगर यह ऊर्जा का त्याग करे, ऊर्जा का क्या करे, त्याग करे या उत्सर्जन करे, यानी उत्सर्जन किसके रूप में करेगा, प्रकाश के रूप में या फिर ऊष्मा के रूप में, तो यह कहाँ चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है। इस बात को हम समझ सकते हैं, माना एक व्यक्ति है, एक क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। अब ये एक ग्राउंड के रोजाना 10 चक्कर लगाता है
और मानो इसकी डाइट है वो 2 किलोग्राम है, पर डे इसको 2 किलोग्राम डाइट देते हैं तो ये 10 चक्कर लगाएगा, ठीक है। अगर इसकी डाइट बढ़ा देते, यानी ऊर्जा इसकी क्या कर दी हमने, बढ़ा दी, ठीक है, तो ये कितने चक्कर लगाएगा, या तो 11 लगाएगा या 10.5 लगाएगा, यानी ये ऊर्जा पाकर ज़्यादा कार्य कर रहा है। तो उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भी जो ऊर्जा ग्रहण करता है तो ये चक्कर लगाता लगाता कहाँ चला जाता है, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अगर देखो ये 10 चक्कर लगाता है रोजाना, 2 किलो डाइट लेता है, तब अगर कम कर दें डाइट इसकी तो इसके चक्कर भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर दे तो ऊर्जा में कमी आई, कमी आते ही ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे वाले स्तर में। और एक बात याद रखना कि नाभिक से जो जो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, जो जो इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो जो ऊर्जा बढ़ती है तो परमाणु स्थायित्व कम होता जाता है, परमाणु स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यानी जो जो ऊर्जा बढ़ेगी त्यों त्यों परमाणु स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, ग्रहण करता है तो कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में, लेकिन उत्सर्जन करता है तो कहाँ चला जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। और एक लास्ट बात बची है इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग वाली। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, संवेग क्या होता है, पी बराबर एम वी, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग यानी एक वर्ताकार पथ में ये गति कर रहा है, तो इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या, तो अब ये कोणीय संवेग एंगुलर मूवमेंट क्या हो जाता है, पी बराबर एम वी आर। और ये जो एम वी आर है ये एच अपॉन 2π का क्या है, पूर्ण गुणज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मानो इलेक्ट्रॉन को तीसरी कक्षा में या तीसरे ऊर्जा स्तर में एन बराबर 3 नंबर में चक्कर लगाना है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा, यानी कोणीय संवेग कितना होता है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2π, तो यानी एन का मान कितना है, 3, तो क्या लिखे, 3h अपॉन में 2π। अगर इसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस 3h अपॉन 2π के बराबर है तो यह 3 नंबर कक्षा में गति कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इसी प्रकार 4 नंबर की देखें या 5 नंबर की देखें, 4 नंबर की देखें तो n बराबर कितना आया, 4, तो 4h अपॉन में 2π या फिर 2h बटा पाई। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2h अपॉन पाई के बराबर है तो ये 4 नंबर कक्षा में गति कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप था। अब नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप की कुछ कमियां रह जाती है, यानी प्रत्येक वैज्ञानिक जो भी नियम या सिद्धांत देता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। तो इसी प्रकार नील्स बोर में भी के प्रतिरूप में भी कुछ क्या रह गई, कमियां रह गई। और वो कमियां कौन कौन सी, कि 1 नंबर कमी तो ये थी कि नील्स बोर सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की ही व्याख्या कर सका। हाइड्रोजन परमाणु ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, नील्स बोर सिर्फ किसके बारे में बता पाया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर पाया। कमियों में क्या लिखेंगे, कि सिर्फ किसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, ठीक है। दूसरी बात है कि जब ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ इसको देखा गया, यानी उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखा गया, उपकरणों से देखा गया तो पता चला कि ये जो लाइनें थी
स्पेक्ट्रम के अंदर क्या थी, लाइनें थी। तो इन लाइनों की संख्या एक से अधिक प्राप्त हुई, यानी बड़ी कक्षा में हम पढ़ेंगे तो वो लाइमन श्रेणी की, बामर श्रेणी की, हाफमान श्रेणी की, पाश्चन श्रेणी की जो लाइनें थी वो प्राप्त होती है। तो इनकी व्याख्या ये नील्स बोर नहीं कर पाया, ठीक है। और हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया, अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप था, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कर लेना।